हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी नेक्स्ट वीडियो ऑन PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो एक्सपेंडिचर है वो आपने कैसे करना है, खर्चा आपने कैसे करना है। इससे पहले जो हमारी दो वीडियोस थी वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से चेक करके देख सकते हो। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए PFMS इलियाना टेक, देन आपको यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टू वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। पहली वीडियो थी कि अबाउट PFMS कि इसमें हमने बताया था कि आपको जो PFMS है कि वो क्या है और आपने जो ID और पासवर्ड है उसको आपने कैसे गेट करना है। यहाँ पर ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड था कि आपने जो वेंडर है उसको आपने कैसे क्रिएट करना है, जिसको आपने पेमेंट्स करनी है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी एक्सपेंडिचर के ऊपर कि आपके वेंडर्स क्रिएट हो चुके हैं, अब आपने उनको पेमेंट्स करनी है। वो पेमेंट्स आप कैसे करोगे वो बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, वहां पर आप सर्च कीजिए PFMS। यहां पर आपको सबसे पहले नंबर पर जो आपका लिंक मिलेगा PFMS.NIC.IN का, यहां पर आप जाइएगा एंड देन आपके सामने कुछ इस तरह से आपका जो डिस्प्ले हो जाएगा आपका डैशबोर्ड, ये इसका जो पोर्टल है उसका जो मेन स्क्रीन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉगिन पर जाना है एंड देन लॉगिन से ही आपने ये सारा का सारा काम करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आप वेंडर क्रिएट करोगे वो आप ऑपरेटर की ID से ही करोगे। अभी तक हम सारा का सारा जो काम है वो ऑपरेटर की ID से ही कर रहे थे। आपने जो वेंडर क्रिएट करने हैं वो आपके ऑपरेटर की ID से ही होंगे। अब जो एक्सपेंडिचर आप क्रिएट करोगे वो भी आपका ऑपरेटर की ID से ही होगा। अप्रूवल की ID से आप सिर्फ उसको पेमेंट्स को अप्रूव करोगे। वो कैसे करोगे वो दोनों हम इसमें सीखेंगे कि आपने ऑपरेटर की ID से एक्सपेंडिचर को कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनेज करना है एंड देन उसके बाद अप्रूवल की ID से जो अप्रूवर है वो उसको कैसे क्या करेगा, अप्रूव करेगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले लॉगिन करूंगा किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में और वहीं से ही हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। तो यहां पर मैं लॉगिन करता हूं किसी एक अकाउंट में एंड देन फिर वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि आपने जो एक्सपेंडिचर है उसको आपने कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपने उसको मैनेज करना है। पर मैंने लॉगिन किया हुआ है एक ऑपरेटर के अकाउंट में। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपने जो मास्टर है मास्टर में जाकर आपने वेंडर में जाकर आपने क्या करना है, एड न्यू पर जाकर वेंडर क्रिएट करना है एंड देन यहां से आपने उसको मैनेज करना है। उसके रिगार्डिंग जो आप हमारी वीडियो है वो आप उसको चेक कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एक्सपेंडिचर का। यहीं पर ही आपको इस साइड पर ही मास्टर है, मास्टर के थोड़ा सा नीचे जाइए, यहां पर देखिए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी आपके पास दो ऑप्शन है, आपने सिर्फ इन्हीं दो ऑप्शन को देखना है फिलहाल। सबसे पहले है एड न्यू, फिर है आपका मैनेज। बात नाम से ही क्लियर हो रही है, एड न्यू से आप क्या करोगे एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे जिसको आपने पेमेंट करनी है। और मैनेज से क्या कर सकते हो आप, जो आपने एक्सपेंडिचर को ऐड किया हुआ है या जो आपके अप्रूव हो चुके हैं या जो आपके पेंडिंग चल रहे हैं उन सभी एक्सपेंडिचर को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो यहां से। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा और यहां पर आपको बताऊंगा कि आपने यहां पर क्या करना है। तो ऐड न्यू के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर हमारे पास आ गया क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल। तो यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह से आपके सामने फॉर्म होगा, वो फिल होके आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर हेड। यहां पर सबसे पहले लिखा आ रहा है स्कीम। देखो जब भी आपने किसी को कोई पेमेंट करनी है तो किसी ना किसी स्कीम के अंडर उसके पैसे आए होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मिड डे मील स्कीम्स चल रही है, आपके पास समग्र शिक्षा अभियान चल रही है, तो जिस भी स्कीम के अंडर आपका होगा उस स्कीम को आपने यहां पर सिलेक्ट करना है। ये स्कीम आपके यहां पर ऑलरेडी ऐड होके आपको मिल जाएंगी। यहां पर आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने स्कीम्स को कैसे ऐड करना है, ये आपको पहले से ही यहां पर क्या होंगी, प्री डिफाइंड यहां पर आपके पास मिल जाएंगी। तो यहां पर फिलहाल एक मिड डे मील स्कीम ही है, आपके पास समग्रा के भी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर इनके कोई कोड है जैसे कि PV67 है जो मिड डे मील का कोड है, वैसे ही समग्रा का भी एक कोड होगा, वो भी आपने याद रख लेना है ताकि वो इन फ्यूचर आपके वो काम आ जाएगा, क्योंकि ये स्कीम्स के ये अलग अलग नाम है उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। तो यहां पर आपको मिल जाएंगी आपकी स्कीम्स। तो जिस हेड से आपने पेमेंट्स करनी है उस हेड को आपने यहां पर क्या करना है, सिलेक्ट करना। जैसे कि मैंने मिड डे मील से पेमेंट करनी है तो मैं मिड डे मील को यहां पर क्या करता हूं, सिलेक्ट करता हूं। सेकंड नंबर पर आया था आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे आपने कुछ नहीं करना, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका एजेंसी अकाउंट च्वाइस, इसको भी आपने कुछ नहीं करना, ये आपका देखिए अनचेक है, इस पर आप कुछ क्लिक भी करोगे तो वहां पर क्लिक नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट,
अगर आपके स्कूल में मल्टीपल बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल समग्र के लिए अलग है, मिड डे मील के लिए अलग है, तो उस बैंक अकाउंट को आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहां पर एक ही बैंक अकाउंट है तो यहां पर एक ही सिलेक्ट हो रहा है, तो यहां पर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट जो आपके हैं स्कूल में वो भी आपको ऑलरेडी एडेड ही मिलेंगे आपके स्कूल में। तो आपने वहां पर उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने उसको पेमेंट करनी है। उसके बाद आ गया आपका लिंक्ड सैंक्शंस। यहां पर देखिए हमारे पास नंबर वन पर क्या है, एक्सपेंडिचर डन फॉर, कि आप जो एक्सपेंडिचर है उसको किस लिए कर रहे हो। देखिए यहां पर हमारे पास नंबर वन आ रहा है वेंडर्स, नंबर टू पे आ रहा है बेनिफिशियरी। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वेंडर्स जहां से आपने कोई चीज परचेज की है या जिसको आपने काम के बदले कुछ पैसे दिए हैं, वो हो आपके आगे वेंडर्स, ठीक है। बेनिफिशरीज आपके आगे जैसे कि जो लाभपात्र होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, उनको अगर आपने कोई पेमेंट करनी है। देखो अभी मैं यहां पर कुछ नहीं क्लियर करना चाहता बिकॉज इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर जब आप वेंडर को क्रिएट करोगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहां पर हम मास्टर में जाते हैं, यहां पर मास्टर में, एंड देन यहां पर हमारे पास देखिए वेंडर, मास्टर में हमारे पास क्या है वेंडर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि आपने वेंडर कैसे क्रिएट करने हैं, वैसे ही आपके पास बेनिफिशियरी का भी ऑप्शन है यहां पर फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पर फिलहाल आपको वेंडर का ही बताऊंगा। जैसे हमें क्लियर हो जाएगा कि बच्चों के जो पैसे हैं, स्टूडेंट्स के जो पैसे हैं, वो वेंडर में आएंगे या बेनिफिशियरी में आएंगे, उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। तो फिलहाल हम वेंडर की यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपने वो जो एक्सपेंडिचर है वो किसके लिए करना है, वेंडर के लिए करना है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने इसको बेनिफिशियरी के लिए करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं वेंडर ही सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर वो पूछेगा वेंडर का नाम। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, ये वाली वेंडर वाली, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ वेंडर्स को क्रिएट किया था उस वीडियो में, जहाँ ऑलरेडी हमारे पास कुछ वेंडर क्रिएट किए हुए थे और कुछ वेंडर को हमने मैप किया था, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट वेंडर, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ पर जितने भी वो वेंडर्स होंगे जो आपने क्रिएट किए हुए हैं उनके जो नाम है यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। आपने जिसको पेमेंट करनी है उसके नाम पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, एंड देन यहां पर वो उसको क्या बता देगा, डिस्प्ले करवा देगा। ये आ गया वेंडर का नाम। अब यहां पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर। जब भी आप किसी को कोई पेमेंट करते हो तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप उसकी एक एंट्री करते हो, कोई एक ऑफिस का लेटर होता है, एंड देन उसके थ्रू ही आप क्या कर रहे हो, उसकी कार्रवाई कर रहे हो। तो जो भी आप करोगे उसके रिगार्डिंग, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका जो लेटर नंबर होगा वो यहां पर आप लेटर नंबर डाल दोगे। जैसे कि मैंने यहां पर एक एज एग्जाम्पल के तौर पर 00 करके 2 करके यहां पर डाल दिया, जो आपका सेंक्शन लेटर होगा। उसके बाद आप उसकी जो लेटर की कॉपी है वो चाहो तो यहां पर फिल कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये वो आपकी जो फाइल्स हैं वो आपकी जेपीजी फाइल, जो आपकी इमेज फाइल होती है वो भी यहाँ पर आ सकती है, पीएनजी फाइल, ये भी आपकी इमेज फाइल होती है, ये भी आपकी आ सकती है, या फिर आप उसकी पीडीएफ बनाकर भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 4 MB का होगा, 4 MB की ज्यादा की जो फाइल होगी वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। उसके बाद आपके पास आ गया अपलोड सेंक्शन लेटर सेंक्शन डेट। अब आपकी सेंक्शन की डेट आ गई कि आपने उसको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आपने उसको पेमेंट करनी है वही आपकी डेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज के दिन पेमेंट करनी है तो मैंने यहां पर सैंक्शन डेट भी डाल दी, जो लेटर की डेट होगी वही आपकी सैंक्शन की डेट हो जाएगी। ओके, देन अब यहां पर देखिए यहां पर आ रहा है टोटल अवेलेबल अमाउंट, यहां पर आ रहा है फिलहाल 0। यहां पर जिस स्कीम को आपने यहां पर ऐड किया है, मिड डे मील स्कीम है चाहे समग्रा की स्कीम है, उस स्कीम के अंडर जितने आपके अकाउंट में अमाउंट होगा ना वो यहां पर डिस्प्ले करवा देगा, चाहे 10,000 होगा, चाहे 20,000 होगा, चाहे 1 लाख होगा, चाहे 10 लाख होगा। तो जितना आपको अलॉट हुआ होगा मिड डे मील या समग्र के अकॉर्डिंग या जो भी स्कीम के अकॉर्डिंग, वो यहां पर आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवा देगा। अब उसमें से आपने कितना अमाउंट आपने पे किया है या कितना अमाउंट आपने खर्चा है जिस वेंडर के लिए, बस उसको आपने उसकी पेमेंट लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं 5,000 लिखता हूं कि आपने इस वेंडर को देना है। तो फिलहाल यहां पर एक मैसेज आएगा कि आपका जो अमाउंट है वो इसके इक्वल नहीं है, इससे ज्यादा है, बिकॉज ये 0 शो हो रहा है। अगर यहां पर आपका 10,000 आपको एक अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल 10,000 रुपीज थे, उसमें से आपने 5,000 रुपीज जो है वो किसी को पे करने हैं, तो आप यहां पर 5,000 लिख दोगे, एंड देन यहां पर आपका नरेशन आ जाएगा।
नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स कि ये आपके लिए है, कि आपने ये पेमेंट किसके लिए कर रही हो। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फूड ग्रेन के लिए, तो फॉर द मंथ फेब, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ये आपके लिए इजी रहेगा। इस नरेशन से आपको याद रहेगा कि आपने ये 5,000 की जो पेमेंट है वो किस लिए की हुई है। तो एक तरह से ये आपका नोट है जो आप इसको दे रहे हो नरेशन में। ये करने के बाद अब ये देखिए यहां पर नीचे क्या ऑप्शन है आपके पास, स्कीम कंपोनेंट डिटेल। तो यहां पर आएगी स्कीम का कंपोनेंट। देखिए आपके पास यहां पर आ गया हेड कि आपने मिड डे मील के अंडर आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है, या फिर समग्रा के अंडर पेमेंट करनी है। अब उस हेड के अंडर, सॉरी उस स्कीम के अंदर आपके मल्टीपल क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, मल्टीपल हेड्स होंगे। तो वो हेड्स आप कहां से सिलेक्ट करोगे, यहां से। तो यहां पर मिड डे मील के अंडर जो है आपका कि आपने ये पेमेंट है वो किसके लिए कर रहे हो, फूड ग्रेन के लिए कर रहे हो, कुकिंग कॉस्ट के लिए कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हो, कुक कम हेल्पर की सैलरी के लिए कर रहे हो। तो जो भी जिसके लिए भी आप ये पेमेंट कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, उस हेड का यहां पर क्या आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी। अब यहां पर आएगा एक्सपेंसेस टाइप। एक्सपेंसेस टाइप में आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पर क्लिक करना है, कैपिटल के ऊपर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। अब बात यहां आती है आपने परसेंटेज की। देखिए मोस्टली अगर आप बिल्कुल एक आसान काम करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने ये इसको 5,000 की एक वेंडर को पेमेंट करनी है, तो इजी वे यही है कि आप इसको 100% के हिसाब से पेमेंट कर दो, 100% के हिसाब से। कि अगर एक वेंडर को आपने दो पेमेंट्स करनी है, ठीक है, तो एक आपने करनी है 5,000 की, दूसरी भी आपने करनी है 5,000 की। तो पहले आप एक 5,000 की कर दो, जैसे कि फूड ग्रेन के लिए करना चाहते थे, उसको 100% के हिसाब से यहां पर ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ये आपका यहां पर ऐड हो जाएगा। देन इसको आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर मैं इसको रिमूव करता हूं, कि मान लीजिए कि यहां पर आपने फाइव, सॉरी मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद रिमूव करता हूं, तो ये रिमूव हो गया। मान लीजिए कि ये एक वेंडर है जिसको आपने पेमेंट करनी है 5,000 की, बट इसमें से जो 3,000 रुपये हैं वो आपके क्या हैं, फूड ग्रेन के, ठीक है, या फिर 2,500 रुपये लगा लो, 50% इसकी जो पेमेंट है वो क्या है, फूड ग्रेन की। तो इसको भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अब यहां पर क्या आ गया, टोटल अमाउंट कितना था, 5,000, इसमें से 2,500 आपका चला गया फूड ग्रेन में। वैसे ही आप क्या करोगे, इसकी जो 5,000 की और पेमेंट थी वो थी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो 50% आपकी पेमेंट क्या आ गई, ये वाली 25 की। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहां पर देखिए एक ही वेंडर को आप दो अलग अलग कॉस्ट के लिए भी क्या कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो परसेंटेज के हिसाब से। पैसे आपके वही गए हैं 5,000 रुपीज। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे आपका काम थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। बट यहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको आप रिमूव कीजिए। आप सिंपली जो आपका एक वेंडर है उसकी जितनी पेमेंट है फूड ग्रेन की, एंड देन आप उसको 100% के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जब आप इसको यहां पर सेव कर दोगे तो यहां पर आपका मैसेज आ जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली। ये था आपका, आपने एक वेंडर को जो पेमेंट्स है वो आपने कैसे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, एक्सपेंडिचर पर जाना है। अब यहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, मैनेज। देखो यहां पर भी आपको फिर वो सेव करने के बाद क्या करेगा, नेक्स्ट का एक ऑप्शन आएगा, वो क्या होगा वो आपको यहां पर भी मिल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर पर आप क्या करोगे, मैनेज के ऊपर जाओगे। जब आप मैनेज के ऊपर जाओगे तो यहां पर वो पूछेगा स्कीम के बारे में, कि आपकी जो स्कीम है वो कौन सी है, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, ठीक है। स्कीम आप सिलेक्ट कर लोगे अपनी मिड डे मील स्कीम के अकॉर्डिंग, आपने जो पैसे उस वेंडर को दिए हैं और उस खाते से, जिस खाते से बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट की है वो आपका आ जाएगा। आप सेंक्शन नंबर भी यहां पर लिख सकते हो, कि जो आपने जो लेटर नंबर मैंने आपको बताया था 002 करके, एंड देन आप यहां पर क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपके पास यहां पर उसकी क्या आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। एंड देन उसके बाद आपका क्या होगा, मैं आपको बताता हूं यहां पर। तो कुछ इस तरह से आपकी उसकी जो डिटेल है वो आपके सामने सर्च के बाद वो शो करवा देगा। यहां पर आपका मिल जाएगा वो लेटर नंबर, ठीक है, लेटर की वो डेट होगी, एंड देन टोटल अमाउंट होगा, एंड देन वो आपका स्टेटस आ जाएगा।
यहाँ पर सबमिटेड आ रहा है बिकॉज ये सबमिट हो चुका है। इसकी मेरी मैंने एक स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखे हुए हैं ताकि वो मैं आपको समझा सकूँ इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो नंबर है, जो लेटर नंबर है, खाली जहाँ पर आपने जिस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपने पेमेंट्स की हुई हैं, जिस भी कंपोनेंट की या जिस भी पर्सन को आपने जो पेमेंट्स की हुई हैं, उसकी जो डिटेल है वो कुछ इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 वेंडर्स हैं, इसको मैंने पेमेंट की हुई है, यहाँ पर वो डिस्प्ले करवा देगा। एंड देन उसका जो रेवेन्यू है, वो जो मैंने बताया था कि आपने रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, कैपिटल के ऊपर क्लिक नहीं करना है, तो कुछ इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर देखिए, लिखिए, लिखा हुआ है फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली। हमने उसको क्या कर दिया हुआ है, सेव। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन, जब आप उसको ऐड करोगे तो सेव का ऑप्शन आएगा एक्सपेंडिचर के ऊपर। वन सेकेंड, एड न्यू के ऊपर। तो जब आप इसको क्या करोगे, लास्ट में सेव करोगे, एंड देन आपके सामने क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा कि फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेई डिटेल्स। क्या आप इन पेज डिटेल को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यस करोगे। अगर आप नो करना चाहते हो तो आप यहां से नो कर सकते हो, इन पेज को फिर से डिलीट कर सकते हो। यहां पर आपके पास देखिए क्रॉस का साइन है, यहां पर आप इनको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एंड देन फिर से आप इसकी एंट्री कर सकते हो। अब जब आप इस पर यस करोगे, तो यस करने के बाद आपके सामने आ जाएगा आपका वाउचर नंबर। कुछ इस तरह से आपकी मैसेज आएगा, द ट्रांजेक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर। तो ये आपका जो वाउचर नंबर है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। आपने यहां पर क्या कर देना है, ओके। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने क्या आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन के ऊपर वही आपके जो वेंडर्स होंगे उसके जो नाम होंगे, एंड देन यहां पर लिखा हुआ है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, कि आपने क्या करनी है, उसकी प्रिंट एडवाइस निकालनी है। तो आपने उसके लिए आप कमांड देनी है। यहां पर भी देखिए आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट का। आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे जा सकते हो, चाहे तो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हो, चाहे तो बैक पर आप जा सकते हो। तो जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे कि हमने क्या करना है, इसका प्रिंट एडवाइस के लिए इसको आगे फॉरवर्ड करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि वेंडर का नाम। देखो यहां पर बहुत सारी एंट्रीज हैं, इसको मत देखो, खाली एक दो एंट्रीज होंगी आपकी, आपने उन्हीं को देखना है। जैसे कि आपके मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही एंट्री है ये वाली, तो ऐसे एक एंट्री या दो एंट्री जो आपने की होंगी वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहां पर वो बोलेगा वेंडर का नाम, पार्टी अकाउंट नंबर, जिस पार्टी को आपने पेमेंट करनी है, पार्टी का नाम क्या है, उसका आईएफएससी कोड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, डेट आ जाएगी, एंड देन यहां पर उसका अगर आधार नंबर आपने लिखा हुआ है तो आधार नंबर आ जाएगा, उसका आधार नंबर का स्टेटस आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है नरेशन फॉर पासबुक, यहां पर आपको एंट्रीज करनी है कि उसकी जो पासबुक है उस पासबुक में क्या लिखा है, कि ये पेमेंट किसके रिगार्डिंग है, तो वो आपने यहां पर एंट्री कर देनी है कि इसके लिए इसको पेमेंट की गई है। ठीक है, जब वो कर दोगे आप सारी की सारी ये वाली लिख दोगे, तो एंड में आपको मिलेंगे ये वाले बटन, कंफर्म, कैंसल, रीसेट और बैक। तो सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, जब ये सारी की सारी आप एंट्री कर दोगे तो आप इसको क्या कर दोगे, कंफर्म। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है हमने, तो ये हमने नरेशन से यहां पर लिख दी है, एंड देन यहां पर मैंने कर दिया इसको कंफर्म। कंफर्म करने के बाद देखिए यहां पर आपके पास आएगा पेई डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब जो आपकी पेई की जो डिटेल है वो सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। दैट मींस कि आपने इसको फाइनली कंफर्म कर दिया है। फाइनली कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन आने के बाद यहां पर आपको पूछेगा कि आपने पेई डिटेल देखनी है या सबमिट फॉर अप्रूवल करना है। तो यहां पेई डिटेल में आपको क्या आ जाएगा, वही जो डिटेल आपने फिल की हुई है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। सबमिट फॉर अप्रूवल में क्या होगा, ये आपका फाइनल सबमिशन होगा। इसको करने के बाद आपके पास क्या होगा कि जो अप्रूवल का अकाउंट है वहां पर आपका ये डाटा है वो आपका चला जाएगा। तो जब आप इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, यहां पर लिखा होगा कैंसल ट्रांजैक्शन। आप यहां से उसको कैंसल भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। जब आप उसको सबमिट फॉर अप्रूवल करोगे उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, एंड देन यहां से आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन हम जाते हैं। अब हम जाते हैं वहां पर अप्रूवल के अकाउंट पर। जो आपका अप्रूवल का अकाउंट होगा उसमें आपको एक आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, लाइकवाइज वही आपने करना है। आपने जो पीएफएमएस पोर्टल है आपने वहां पर जाना है,
यहां पर आपने लॉग इन करना है। लॉगिन करने पर यहां पर आप पहले कहां थे, ऑपरेटर के अकाउंट में। अब आपने अप्रूवल के अकाउंट से यहां पर क्या करना है, लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से उसका भी डैशबोर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले करवा देगा, वैसा ही डैशबोर्ड जैसा लगभग आपका ऑपरेटर का था। यहां पर उसकी जो डिटेल होगी, यहां पर लॉगआउट का ऑप्शन होगा, यहां पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब यहां पर आपने क्या करना है, इस तरफ जाना है, यहां पर आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आपने क्या करना है, अप्रूव का आपको क्या मिलेगा ऑप्शन, कि जो आपने अप्रूवल करना है, यहां पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे अप्रूवल के अकाउंट से एक्सपेंडिचर पर जाकर आपने क्या करना है, अप्रूव। आप यहां से अप्रूव कर सकते हो और मैनेज, जो आपने अप्रूव किए हुए हैं उनको मैनेज भी कर सकते हो। अप्रूव के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वो डिस्प्ले करवा देगा कि आपके पास ये अप्रूव होने के लिए आया हुआ है एक लेटर। आपने सिंपली उस लेटर के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो उस जो डिटेल होगी वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा, जितने वेंडर्स की आपने पेमेंट्स की हुई है ऑपरेटर के अकाउंट से। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्रूव का, रिजेक्ट का और बैक का। चाहे तो आप यहां से रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे तो आपको वहां पर रिमार्क्स में लिखना पड़ेगा कि क्या कारण था रिजेक्ट करने का। अप्रूव करोगे तब भी आपको वहां पर आपको अप्रूव का वो कुछ ना कुछ वहां पर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर अप्रूव करता हूं तो यहां पर वो पूछेगा रिमार्क्स, तो यहां पर अप्रूव्ड आप लिखिए और कंफर्म कर दीजिए। वैसे ही अगर आप रिजेक्ट करोगे तो वहां पर आपको रिमार्क्स लिखना पड़ेगा, एंड देन कंफर्म करने के बाद वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने इसको कंफर्म किया तो यहां पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले वो बता देगा, एंड देन यहां पर एंड में आपको बताएगा पीपीए एक्सपायरी डेट, जो आपका प्रिंट पेमेंट एडवाइस है। मैंने इसको जनरेट किया था 2 तारीख को, 2 फरवरी को, तो ये 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। मतलब ये पीपीए आपने बैंक में भेजना है, इसका प्रिंट निकालकर आपने इसको क्या करना है, बैंक में भेजना है। चाहे आप उसकी हार्ड कॉपी भेज सकते हो, चाहे आप बैंक वालों को ईमेल कर सकते हो। अगर आप बैंक वालों को ना तो ईमेल करते हो और ना ही आप उनको हार्ड कॉपी भेजते हो, तो ये 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। आपको फिर से इसका चालान को फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं करना है, आप अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहते हो तो आपने सिंपली यहां पर प्रिंट पेमेंट एडवाइस के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर वो लिखा आएगा पीएफएमएस एनएसटी क्या रहा है, पीपीए इज वैलिड अप टू 10 डेज, आपका 10 दिन के लिए वैलिड है। अब ये 10 दिन के बीच में ही आपने इसको क्या करना है, बैंक वालों को ईमेल करनी है, एंड देन बैंक वालों को आपने क्या करना है, हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। आप यहां पर ओके करोगे, ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपकी जो स्लिप है पीएफएमएस जनरेटेड कर देगा, आपकी वो जो प्रिंट पेमेंट एडवाइस है वो आपके सामने यहां पर डिस्प्ले करवा देगा। यहां पर डिस्प्ले करवाने के बाद यहां पर देखिए, यहां पर यह है सेव का ऑप्शन। आप यहां पर क्लिक करोगे, इसको आप एक्सेल में, इसको आप पीडीएफ में, कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हो। आप इसको पीडीएफ में सेव कर लो, वो बेटर रहेगा। तो देखिए यहां पर ये ऑप्शन है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट, पीडीएफ, टीआईएफ फाइल या डाटा फीड, कहीं पर भी आप इसको क्या कर सकते हो, सेव करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो पीपीए है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपकी एक फाइल जनरेट होगी, उस फाइल पर देखिए यहां पर साइन हो जाएंगे आपके, आपकी एजेंसी की सील होगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपका स्कूल में आपके और चेयरमैन है, जिसके भी साइन होते हैं, तो उन दोनों के आपके जो साइन है यहां पर आ जाएंगे, नेम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर, एंड देन आप इसको क्या कर दोगे, बैंक को फॉरवर्ड कर दोगे। ये थी आपकी वीडियो कि आपने जो एक्सपेंडिचर है उसको आपने कैसे क्रिएट करना है, आपने एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज करना है, और आपने फाइनल प्रिंट एडवाइस आपने कैसे करनी है, अप्रूवल में जाकर आपने कैसे अप्रूव करना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को। और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे जो चैनल के जो कमेंट बॉक्स है वहां पर अपनी क्वेरी है वो आप वहां पर टाइप करके वहां पर रख सकते हो, तो जितनी जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई आपको दे दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।